हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं मेलोडी कैसे बनाते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे लेयरिंग करते हैं, उसके बाद मिक्सिंग के द्वारा उसके साउंड को कैसे क्लैरिटी लाते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा कुछ बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ संतोष कुमार सिंह। मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है, इसमें ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक पैटर्न है और कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम शुरू करते हैं तो मैंने कैसे इसे बनाया है। मैंने एक ड्रम से शुरू किया, ओके, और ये सिंपल फोर फिलिच फोर स्टेप करके मैंने इसे लिया है। उसके बाद मैंने एक ड्रम लिया है एक छोटे से इंटरवल के बाद। आप इस ड्रम की जगह कोई गिटार या कोई भी ऐसा हार्प या कोई इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं जिसका साउंड इस तरीके से हो। यहाँ तक बहुत ही आसान है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लैप ऐड किया है। और फिर हैट को ऐड किया है इस तरीके से। उसके ऊपर थोड़ा स्नेयर डाल दिया। तो ये बीट पोर्शन जो है, ये तो रिदम जो है ये आपको क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये बेसिक सा बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर मेलोडी डालना शुरू किया और आप देख सकते हैं कि मैंने बस एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है जो कि एक ही प्लगइन है, वो है हार्मलेस। तो मैंने केवल हार्मलेस का यूज़ किया है और इसके डिफरेंट प्रीसेट्स को अप्लाई करके मैंने म्यूज़िक बनाने की कोशिश की है। तो पहले मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एक रिदम बनाया थोड़े थोड़े से इंटरवल के बाद, इसे आप सुन सकते हैं। और मैंने जो प्रीसेट इन्वेजन करके जो प्रीसेट आता है हार्मलेस का, यहाँ से जब आप प्रीसेट्स में जाएंगे तो ये इन्वेजन ऑफ पम्पकिंस आता है, मैंने इसे लिया है। और उसके बाद ये नीचे वाले जो प्रीसेट्स है उसको सिलेक्ट करके धीरे धीरे मैंने इसके ऊपर एक के ऊपर एक म्यूज़िक डालना शुरू किया। आप इन्वेजन देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैचिंग के लिए मैंने इसी का एक प्रीसेट जो है बेस है उस बेस को लिया है, तो एनालॉग बेस वन जो है उसको लिया और उसे मैच कर दिया ताकि ये दोनों आपस में मैच हो जाएं। और यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इसकी वॉल्यूम को हाई रखा है, यहाँ पे कम कर दिया, और इसमें भी इसकी वॉल्यूम को यहाँ पे जो है कम कर दिया ताकि दोनों में मैचिंग हो जाए। दो जो वॉल्यूम हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी वॉल्यूम को थोड़ा थोड़ा डाउन कर दिया ताकि ये एक दूसरे को अचानक ही हाई वॉल्यूम ना हो जाए, तो ये काम किया है। उसके बाद मैंने इसके और एक प्रीसेट्स को डबल स्टेप थ्री करके जो प्रीसेट्स है उसको लिया है और उसको भी मैच करने की कोशिश की है इन दोनों के साथ। ओके, आप देख रहे हैं कि ये बेसिक सी चीज़ है, जहाँ भी हमारे जो पहले से यूज हुआ था नोट्स उसी नोट्स के ऊपर मैंने डाल दिया है आराम से, और ये इस तरीके से मैच हो रहा है पूरी तरह से। इसमें थोड़ा वेरिएशन ये ला रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक बेस की जगह पर जो है इसको यूज़ किया है, इस प्रीसेट्स को, इसको हम सोलो करके सुन लेते हैं। तो इस तरीके की साउंड जो है एक थोड़ा अट्रैक्शन पैदा करता है और इसे यूज़ कर लिया मैंने। ये इसी का एक प्रीसेट्स है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये जो एक आर्पेजिएटर है चिप करके, उसे मैंने यूज़ किया है। कि वॉल्यूम को मैंने बहुत ही मिनिमम रखा है 20% के आसपास। अगर इसे हाई करके सुनेंगे तो ये पूरे ही जो म्यूज़िक है उसको ये
ओवरराइड कर लेगा, इसलिए इसे बहुत ही कम रखा है 20-25 के आसपास में। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कुछ, ये तो सारे थे मतलब बीच इंटरवल वाली चीज़ें, उसके बाद मैंने कुछ लीड डालने की कोशिश की है इसके ऊपर। ओके, तो इसे आप सुन सकते हैं, मैं इसे पहले सोलो करके सुन लेता हूँ। तो ये इसका एक स्विंगिंग पाइप प्रीसेट है, उसको मैंने यूज किया है। ये भी एक आर्पेजिएटर है, स्विंगिंग पाइप, आप यहाँ देख सकते हैं। सेम चीज़ को मैंने एक और प्रीसेट जो है सीक्वेंस और डाई, ये एक बेस के अंदर आता है, सेम चीज़ को मैंने डाला है ताकि दोनों ही फ्रीक्वेंसीज मुझे मिल जाए, लो एंड और जो मिडिल और हाई एंड के फ्रीक्वेंसीज है, ये दोनों को कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब मैंने इसे बनाया तो मैंने इन सारी चीज़ों को सुनते हुए इसके ऊपर एक के बाद एक ये सारी चीज़ें राइट की, जिससे कि ये सारे जो हैं एक रिदम में रहें, एक मेलोडी में रहें। तो आप इसे सुनेंगे तो ये इस तरीके से साउंड होगा। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन इसके द्वारा, मैंने क्रिस्टल करके प्रीसेट है इसी का, उसके द्वारा थोड़ा सा वेरिएशन डालने की कोशिश की है बीच में। जब मैंने इसे बनाया तो ये काफ़ी मतलब साउंड में कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि ये जो मिड फ्रीक्वेंसीज है, ये यहाँ पे जो प्रीसेट्स है इन्वेजन करके, ये भी सेम फ्रीक्वेंसीज को यूज़ कर रहा है, ये भी सेम फ्रीक्वेंसीज को यूज़ कर रहा है, ये सारे बहुत सारी चीज़ें थी जो सेम फ्रीक्वेंसीज को यूज़ कर रही थी। तो उसके लिए हमने मिक्सिंग से उसको कंट्रोल किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने साइड चेन का यूज़ किया है। ये जो इन्वेजन को अगर आप देखें, इसके फ्रीक्वेंसीज़ को और ये जो स्विंग करके है इसको फ्रीक्वेंसीज़ को, अगर आप दोनों को देखें तो ये काफ़ी कुछ ओवरलैप हो रही थी, इसलिए तो मिक्सिंग के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक के जो है लो और हाई एंड को मैंने हाईलाइट किया और मिडिल में थोड़ा दबा दिया है इन्वेजन को, और जो स्विंगिंग पाइप्स है उनके लो हाई को यहाँ पे माइनस करके मिडिल रेंज को थोड़ा सा हाई कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से करने से हमें दोनों ही फ्रीक्वेंसीज सुनाई दे रही हैं क्लियरली। इसके अलावा हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा मिक्सर में, आप देखेंगे कि इसको मैंने लेफ़्ट में टर्न किया है और इसको मैंने राइट में टर्न किया है, इन दोनों को, ये दोनों एक बेसिकली सेम ही हैं म्यूज़िक। अगर मैं इन दोनों को अगर सेम पे रख देता तो ये काफ़ी जंबल जैसा साउंड आ जाता और ये कोई क्लैरिटी नहीं रहती, तो इसके लिए मैंने इनको, इन दोनों को अलग अलग लेफ्ट और राइट पे डाल दिया। के अलावा मैंने क्या किया कि इसको मैंने साइड चेन करवा दिया, तो साइड चेन के ऊपर मेरा एक ट्यूटोरियल है जिसे आप देख भी सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। और साइड चेन का मतलब होता है कि जब ये साउंड प्रेजेंट होगा तो ये साउंड जो है ये दब जाएगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्लिक करके और यहाँ पे साइड चेन टू दिस ट्रैक ओनली किया, और फिर इसके ऊपर जाकर यहाँ पे मैंने फ्रूटी लिमिटर डाल दिया और यहाँ पे इसको वन करके और थ्रेशोल्ड को डाउन किया और थोड़ा सा कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया, थोड़ा सा गेन बढ़ा दिया, रिलीज़ को थोड़ा सा डाउन किया। तो इस तरीके से ये जब इन दोनों को आप सुनेंगे
एक दूसरे को अल्टरनेट करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और हमने क्या किया कि ये जो ये दोनों सेम म्यूजिक वाले ट्रैक हैं, इन दोनों को हमने एक ही ट्रैक को असाइन करवा दिया है मिक्सर का। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी 10 नंबर पे है और ये भी 10 नंबर पे है। तो इस तरीके से अगर आप सुनेंगे ये दोनों को, तो ये दोनों क्लियर सुनाई दे रहे हैं। बट अगर ये काम मैं नहीं करता तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे साइड चेन डिलीट कर दूं और इसको मैं अगर डायरेक्टली मास्टर से जोड़ दूं, तो फिर आप देख सकते हैं इसका नतीजा। काफ़ी एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। क्लैरिटी, वो जो क्लैरिटी थी वो क्लैरिटी मिसिंग है यहाँ पे, जबकि हमने इसे लेफ़्ट और राइट पे डाला है तो भी वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। अगर हम लेफ़्ट राइट भी ख़त्म कर दें तब तो ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाता है एक दूसरे से। ओके, और इसकी वॉल्यूम को भी हमने काफ़ी कम कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम काम करते हैं जब म्यूजिक बनाते हैं। तो हम एक लेयर से शुरू करते हैं और उसके बाद एक के बाद एक लेयर जोड़ते जाते हैं, और तब हमारा जो मेलोडी है वो फाइनली बन के तैयार हो जाता है। और इसमें हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो हमने फर्स्ट म्यूजिक जो बनाया है फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर, उसके बाद जो सेकेंड हमने डाला वो मैच हो, उसके बाद वो सारे मैच हो, एक रिदम में हो, एक लय में हो, और एक दूसरे को ये कवर ना करें, सारे को सुनाई दे। तो इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा म्यूजिक है जो काफ़ी क्लियर बनेगा, काफ़ी लय में होगा और सुनने में भी बहुत ही मेलोडियस लगेगा। तो दोस्तों इस छोटे से ट्यूटोरियल में इतना ही। And if you like my channel, please do subscribe, and thanks a lot.